आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में फ्लैट देने का भरोसा देकर MTNL सोसाइटी के करीब 200 से ज्यादा लोगों के साथ लगभग 15 करोड़ की ठगी हो गई। 2015 में FIR भी दर्ज हुई, लेकिन आज तक रोहिणी जिला अंतर्गत KN कटाजू थाना पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। इसी का लाभ उठाकर आरोपियों ने 2021 में एक और ठगी को अंजाम दे दिया। 4.60 करोड़ के इस मामले में तो गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन MTNL के पूर्व कर्मचारी 2015 के मामले में आज तक पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, इस उम्मीद में कि उनके न्याय होगा। इस मामले में रोहिणी जिला DCP ने पुलिस की इस नाकाबालियत पर बात करने से मना कर दिया है। देखिए पुलिस की नियत और काबिलियत की पोल खोलती है रिपोर्ट। रोहिणी जिले के कियंग कटाजू थाने में मौजूद ये बुजुर्ग MTNL एम्प्लॉई सोसाइटी के वे लोग हैं जो फ्लैट मिलने की आस में ठगे गए हैं। ऐसे पीड़ित लोगों की संख्या करीब 225 है, जिनकी शिकायत पर करीब 15 करोड़ रुपए की ठगी के इस मामले में 7 अप्रैल 2015 को कियंग कटाजू मार्ग थाने में FIR भी दर्ज है। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है, पुलिस ने आज तक उन पर कोई कार्रवाई न करना तो दूर चार्जशीट तक दाखिल नहीं की। इस बीच इन्हें आरोपियों ने 2021 में एक और ठगी को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस वर्ष 2015 के मुख्य आरोपी प्रकाश का बेटा सहित 3 लोग आज तक जेल में है, लेकिन हैरत की बात है कि पुलिस अभी तक उनके मामले में चुप और शांत है। ऐसे में ये लोग पुलिस काबिलियत और नियत पर सवाल उठा रहे हैं। पूरा मामला बाहरी दिल्ली के कंझावाला DM ऑफिस के ठीक सामने स्थित इस जमीन का है। MTNL के कुछ अधिकारियों ने वर्ष 2007 में एक सोसाइटी बनाई। मात्र कुछ महीनों में ही इस सोसाइटी के पहले प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और सोसाइटी पर प्रकाश चंद सहित कुछ लोगों पर कब्जा हो गया। उन्होंने कंझावाला में 5 एकड़ जमीन भी खरीद ली और ये जमीन दिखाकर ताबड़तोड़ सदस्य बनाए, लेकिन बाद में पता चला कि यह तो कृषि भूमि है और उस पर फ्लैट बन ही नहीं सकते। लेकिन ये जानते हुए भी उन्होंने बिल्डर को 4 करोड़ रुपए दे दिए। बाकी लाखों रुपया इस सोसाइटी का पैसा प्रकाश चंद और उनके साथियों ने एक अलग सोसाइटी बनाकर उसमें ट्रांसफर कर दिया। मामला उजागर हुआ तो उन्होंने तत्कालीन महासचिव पर इसका ठिकरा फोड़ दिया और JP जैन को महासचिव बना दिया और भरोसा दिया कि जल्दी फ्लैट मिल जाएंगे। लेकिन यह भी धोखा खा गए तो महासचिव JP ने 2013 में EOW में इसकी शिकायत की। वहां से 2015 में मामला KN कटाजू मार्ग थाने में दर्ज हो गया। सोसाइटी के बैंक खाते सीज हो गए, लेकिन इसी बीच प्रकाश चंद ने अपने बेटे की एंट्री कर दी और इस सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग से बैंक खाता खोलकर ठगी शुरू कर दी। इस बार शिकायत किसी प्रभावशाली शख्स की थी, लिहाजा इस मामले में EOW ने तेजी दिखाई और प्रकाश के बेटे सहित 3 लोगों को जेल भेज दिया। पीड़ित का कहना है कि यदि पहले FIR पर कार्रवाई हो जाती तो दूसरी बार ठगी नहीं होती। हद तो यह है कि मुख्य आरोपी प्रकाश का बेटा जतिन अभी भी जेल में है, लेकिन फिर भी इसी सोसाइटी के नाम पर लोगों को फ्लैट देने का झांसा देकर ठगी का काम जारी है। इस मामले में रोहिणी जिला DCP से भी बात की, लेकिन वो भी चुप्पी साधे हुए है। पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आज 7 साल बाद भी ठगी के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की। इतने सालों में ये लोग एड्रेस बदलकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की आंखें बंद क्यों हैं? यह सवाल लेकर ये बुजुर्ग थाना और DCP ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस इनके सवालों का जवाब देना तो दूर, मिलने तक को तैयार नहीं है। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। साहब, क्या केस है आपका? कब से आप चक्कर काट रहे हैं? मेरा नाम जैन है और हमारी एक सोसाइटी बनाई गई है ऑफिस वालों ने MTNL ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के नाम से। ये 2007 में बनाई थी और ये कहा था तुम्हें 2 साल में फ्लैट मिल जाएंगे। जब हमारा कोई फ्लैट नहीं मिला, ना कुछ नहीं हुआ और हमने इनसे पैसे मांगने शुरू किए तो ये टाल मटोल करते रहे। आखिर में तंग आकर 2015 में हमने इनके खिलाफ, 2014 में इकोनॉमिक्स विंग मंदिर मार्ग पर हमने कंप्लेंट की DCP को। वहाँ से मेरी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होकर आ गई KN कटाजू मार्ग थाने में। 2015 में FIR हो गई, लेकिन FIR होने के बाद भी मैं इनके पास चक्कर काट काट के परेशान हो गया। कोई आज तक 2022 आ गया, 7 साल में कोई एक्शन नहीं हुआ। का घपला है, उनमें से एक मेंबर ने EOW में कंप्लेंट की 2019 में, 2021 में FIR हुई और उनको अरेस्ट भी कर लिया। आज वो जेल में भी बंद है। वो 2019 की FIR पे एक्शन होगी और हमारी 2015 की FIR पे आज तक एक्शन नहीं हुआ। क्या कारण है? पुलिस किस लिए डील कर रही है?
कागजात जितने मांगे हैं, पेपर जितने मांग रहे हैं, हमने सारे दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। सर हमारे इतने मेंबर्स हैं जिन्होंने पता नहीं कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके दिए हैं, सब बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, कई बेचारे भगवान को प्यारे भी हो गए हैं। तो ये हमारा फैसला होना या नहीं होना है, पुलिस क्यों नहीं साफ बता रही है? नाम है कुलवीर सिंह। सर बताएं क्या मामला पूरा, पैन कार्ड जो आपने कितने पैसे लगाए और कब से परेशान है, क्या उम्मीद? मैंने 2007 में पैसे लगाए और 2007 से मेंबरशिप ली उन्होंने और बीच में पैसे दिए, लेकिन उससे कोई समस्या हल नहीं हुई और फ्लैट देने का बनाने का साझा देते रहे। आज तक कुछ नहीं हुआ ना वहाँ होने वाला कुछ। इन्होंने लोगों ने फ्रॉड किया है, बहुत ज़बरदस्त फ्रॉड कर रखा है और FIR भी दर्ज है। हम थाने में सब जगह कचहरी में सब घूम रहे हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही अभी तक। तो इसलिए हम तो कृपा करके ये चाहते हैं इनके साथ जो अन्याय इन लोगों ने किया हमारे साथ, इनको अरेस्ट करके तुरंत हमारे को आत्मा को शांति मिलनी चाहिए हमारी को। अब जो हमारी मेहनत के पैसे लगे थे वो वसूल पाए। मैं पवन अग्रवाल एक MTNL सोसाइटी का मेंबर हूँ। हमें कृषि योग्य भूमि थी किंतु उन्होंने वो चीज़ ना बताकर हम लोगों को फ्लैट का सपना दिखाकर 250 मेंबरों को अप्रोक्सीमेट इन्होंने सबको सपना दिखाया और उनसे करोड़ों रुपए की इन्होंने ठगी की, जो अप्रोक्सीमेट 15 करोड़ है। उसके बाद पश्चात जब कुछ नहीं हो रहा था, तो बिल्डर भी इनके साथ मिला हुआ है, जब कुछ नहीं हो रहा था तो इन्होंने वहाँ पर पैसा हमारा जो है यहाँ से ट्रांसफ़र कर लिया सिल्डी में। सिल्डी में पैसा ट्रांसफ़र करके वहाँ पर दूसरी सोसाइटी बना के इन्होंने अपनी, कोई मेंबरों के कंसेंट नहीं है उसमें। हम लोगों ने फ्लैट के लिए पैसा दिया था, ना कि भूमि खरीदने के लिए। इन्होंने अपनी एक दूसरे नाम से सोसाइटी बना के और वहाँ पर अपना आराम ग्रह, जो जिसको कहते हैं आरामदायक जगह, कि हम अपना बंगला बना लेंगे और मौज करेंगे जाके, इन्होंने वहाँ पर जगह खरीदी हुई है जिसका हम किसी मेंबरों को जानकारी नहीं है। वो पैसा हमारे खाते से ट्रांसफ़र हुआ जो कि एक प्रूफ के रूप में मौजूद है। और उसके पश्चात इन्होंने 2019 में फिर हमारे ही सोसाइटी के पेपर रजिस्ट्रेशन हो चुके कोर्ट के द्वारा कि ये अगर कोई चीज़ करनी है तो प्रक्रिया दोबारा करी जाएगी, कमेटी नहीं बनेगी, चुनाव, कोई चुनाव नहीं है, कुछ नहीं है। प्रकाश चंद अपनी मर्जी से सब, जब किसी को सेक्रेटरी बना लेता है, किसी को मेंबर बना लेता है, कभी किसी को हटा देता है, कभी। और दूसरा अकाउंट कैसे खुला, जब एक अकाउंट है हमारा, दूसरा अकाउंट कैसे खुला है? सीधा फोर्जरी है MTNL सोसाइटी के नाम से, किंतु पुलिस आज तक यही नहीं ढूंढ पा रही है कि फोर्जरी इसमें क्या है। तो हमें लगता है कि उसके पास पैसा है और वो ठगी कर रहा है और वो सबको मैनेज कर रहा है हर जगह, और मैनेज करके हम लोगों को कहता है कि आप कहीं भी चले जाओ, हमारा क्या कर लोगे, पैसा तो हमारे पास है ना, तो हमसे ज़्यादा कुछ करोगे तो हम तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। ये धमकी हम लोगों को मिल रही है, तो कृपया इस पर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो भी अगर FIR में नहीं कुछ है तो उसको तत्काल डिसमिस किया जाए या चार्जशीट दाखिल किया जाए, जिससे ये फोर्जरियों से अन्य लोग। मैं सुनीता जी, मैंने 2008 में मेंबरशिप ली थी, मेरी 2-3 फ्रेंड्स थी, उन्होंने हमको मेंबरशिप दिलाई कि मकान मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, कई तरह के इन्होंने फ्लैट बुक किए, MIG HIG और LIG वगैरह। मैंने LIG के लिए थी और हमने इनको पैसा भी दिया है 2007 में भी, मैंने तो दो किस्तों में पैसा दिया, लेकिन एक किस्त में मैंने इनको चेक दिया, एक में मैंने इनको कैश दिया, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं है। सब पैसा इन्होंने गड़बड़बाजी कर दी, हमारा तो एक एक पैसा जोड़ जोड़ के अपने बच्चों का पेट काट के हमने इनको पैसा दिया, लेकिन आज के टाइम में कुछ भी नहीं है और उल्टा सब ये लोग फ्रॉडबाजी करके ये सब करके हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। 240 मेंबर्स हैं हम लोग MTNL के, कुछ इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है, तो उसका हमें हर्जाना, हमें कुछ तो मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते हमारा पैसा दो, बेच के कुछ भी दो, हमारा विध ब्याज दो, हम मतलब हमें पैसा भी मिलना चाहिए हमारा, और जो एज वेल एज जो कार्रवाई होनी चाहिए इनके अगेंस्ट वो भी होनी चाहिए। बहुत गलत इन लोगों ने ऐसा, मतलब हम लोग पढ़े लिखे मेंबर्स को, सारे डिपार्टमेंट के 240-250 मेंबर हैं, हम सबको ही बेवकूफ़ बनाया, सबको पागल बना के। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगे इजाज़त, नमस्कार।